बोले बोले चैनल का नाम बता दो और हमारे ब्लॉग बना लो। हाँ बोले ये बोले ये बोले ये क्या स्टाइल है चप्पलों का। हाँ जी, तो क्या हाल है दोस्तों, सावन मेला कावड़ यात्रा की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्षित और आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, आज है सावन का पहला सोमवार और शिवरात्रि से पहले एक पहला और आखिरी यही सोमवार पड़ने वाला है। और अभी कनखल के घाटों पर और कनखल का जो फेमस मंदिर है दलित भंजन मंदिर, वहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है वो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अभी मैं दलित भंजन वाले चौक पर ही खड़ा हूँ, ये मेरे सामने बिल्कुल है शमशान घाट और राइट साइड में दलित भंजन मंदिर है। आइए चलते हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ है, पहले उस वहाँ से जल्दी से यहाँ से निकलते हुए फिर दलित भंजन मंदिर और उसके पीछे जो घाट है उसको कवर करते हैं। आइए चलते, ये हाल हो रखा भाई मंडे को। ये अभी हमारा है दलित भंजन वाला चौक, दलित भंजन दुख भंजन, इधर से ये रोड आ रही है दस मंदिर की साइड से और इधर अपना है ये शमशान घाट। तो सोमवार का टाइम बहुत ही तगड़ा यहाँ पर जाम लगा हुआ, सुबह से ही लगा हुआ है, मैं अभी दो तीन चक्कर मेरे लग चुके हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ ऑटो, क्योंकि ऑटो इधर से जा रहे हैं इधर बैरागी कैंप साइड है ना, गंगा पार जा रहे हैं ऑटो, इसलिए ऑटो की वजह से यहाँ पर जाम लग रहा है, देख सकते हैं। अभी आगे चलते हैं फिर उधर आगे दलित भंजन का मंदिर के अंदर देखते हैं कितनी भीड़ है, बाहर ही लोगों की इतनी भीड़ है, आने जाने वालों की, अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। तो अभी तो सिर्फ पहला ही सोमवार है सावन का, यहाँ पर ये मेन गेट है दलित भंजन का और यहाँ से पूरी वहाँ तक लाइन लगी हुई है और अभी तो ये लाइन थोड़ी कम हो चुकी है। अभी जब मैं सुबह आया था सुबह खुद जल चढ़ाने तो अराउंड वहाँ तक लाइन थी, देख सकते हैं हम, तो अभी धीरे धीरे कम हो गई लाइन। अभी अंदर देखते हैं अंदर कैसा माहौल है, ये चलते हैं। तो अंदर पीछे से लाइन चलती हुई इधर आ रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ अंदर दर्शन कर रहे हैं, ये मेन शिवलिंग है, यहाँ पर सब लोग जल चढ़ा रहे हैं और फिर यहाँ से इधर से साइड बाई साइड लोग भागना। तो अभी अपन तो पीछे वाले साइड से घुस चुके हैं सिर्फ दर्शन कराने के लिए और देखने के लिए अंदर से गया है। ये भोलेनाथ की मेन जो पिंडी है दलित भंजन महादेव, जय हो भोलेनाथ की। हम सभी सेवा भी कर रहे हैं भाई, लाइन टूटने में नहीं आ रही है, इधर से लगातार लाइनें तो लगी हुई हैं। और दूसरी साइड चलते हैं अभी, जिधर भोले हैं जिधर घाट पे उधर देखते हैं क्या सीन है। तो बोले ये हम आ चुके हैं दलित भंजन वाले घाट पे और दलित भंजन से अगर सम ये देखे भोले यहाँ पे नहा रहे हैं फुल मजे से, भोले बोल रहे चैनल का नाम बता दो और हमारे ब्लॉग बना लो। और इधर से यही घाट कनेक्ट होता है अपन ना उधर जाकर दक्ष मंदिर वाले घाट पर, उधर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, अभी उधर चलते हैं। ओह माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा भीड़ तो यहाँ से शुरू हो रही है भाई, भोलों की तगड़ी भीड़ यहाँ पर। सोमवार का दिन है यहाँ पर, पहला सोमवार सावन का और भोले यहाँ पर पूरी मस्ती से नहा रहे हैं। आगे देखते हैं और आगे तो मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं है, पूरा भगवा ही भगवा दिख रहा है यहाँ पर। ये भोला यहाँ पर, हाँ बोले ये बोले ये बोले ये क्या स्टाइल है चप्पलों का, बोले जिससे खोए ना चप्पल इसलिए ये। ये देखो हरियाणा की सीक्रेट टेक्नोलॉजी, सोली एक जगह खट्टी करके धर दी है। छोटे छोटे बोले यहाँ पर नहा रहे हैं, बोले हेलो कर दो एक बारी, डुबकी मार के दिखाओ बोले, अरे नीचे जाओ रहा बोले, डुबकी मार के दिखाओ, बोले डुबकी मारो, अरे मजा नहीं आया बोले।
एक बार दोबारा बोलो। और ये देखो ये गेट मोस्टली बंद रहता है, सिर्फ सावन में खुलता है, तो यहाँ से भी भोले आ रहे हैं और इधर भी भोले नहा रहे हैं और इधर भी। गंगा जल की बात करी जाए तो ऊपर जैसे बारिश हो रही है, यहाँ पे बारिश हो रही थी तो ऊपर से बह बह के बहुत सारी कावड़ भी आ रही हैं और पानी भी बहुत गादला हो रहा है। पीछे तक भोले भोले तो पीछे जाना चाहिए, अभी और आगे जाना चाहिए नहीं, चलो आगे चल के देखते ही हैं और कितनी भीड़ है। ये देखो भाई तैराकी भोले पूरी गंगा पार कर रहे हैं तैर तैर के। और कुछ बोले यहाँ पर गमछा पहन के करा रहे हैं फोटो शूट। तो हाँ जी मेरे को तो मज़ा आ गया इस वीडियो में, आई होप आपको भी आ गया होगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, इस वीडियो को लाइक कर दें और अगले अब सावन के इस पावन महीने में हमें क्या कवर करना चाहिए वो मेरे को थोड़ा सजेस्ट कर दें इस कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।